ECG के बारे में पढ़ा था। ECG के लिए पहले ECG ग्राफ की जरूरत होती है, जो ये ECG मशीन होती है उसका ECG ग्राफ पे होती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ये है कि ये लीड है जो पेशेंट से अटैच होती है ना, तो इसको यहाँ पे देखो ना, यहाँ अटैच करते हैं इसको, यहाँ पे अच्छे से इसको अटैच करेंगे, ठीक है। अच्छे से अटैच होना चाहिए, नहीं तो अच्छे से अटैच नहीं होगा तो वाइब्रेशन होती है नहीं तो लीड से। और ये जो है कि यहाँ से ये चार्ज होती है, ये ऑन बटन है, तो ये बटन ऑन का है। और ये ऑन होने के बाद फिर 5 से 10 मिनट बाद जब हम लीड लगा देंगे तो प्रिंट बटन दबाते हैं, ठीक है। तो इसी से करने से पहले सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है कि जेब में सिक्के नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिक्के या कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, वो निकाल दें, बेल्ट भी निकाल दूँ तो ये ऊपर करो, ये वाली और 4 होते हैं क्लैंप। सबसे पहले हम क्लैंप अटैच करेंगे, क्लैंप अटैच करने के लिए क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोड है, इसके लिए हम जेल यूज करेंगे, ठीक है, जो कंडक्शन करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट जो मशीन्स होती है ना उनमें डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं, तो इसका डिफरेंट है कलर कोड, ऐसा सच नहीं है, इसमें प्रिंटेड रहता है। पहले लिम्स का लगाना, कौन सा ये लो, राइट आर्म डिजिट लगाओ, राइट आर्म, राइट आर्म में वाइट लगेगा। स्पेसिफिक मतलब कुछ एक मशीन्स होती है ना उनमें स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कुछ एक में होता है कि जैसे मैंने पढ़ा राइट साइड में नीचे काला होता है और यहाँ पे रेड कलर का होता है, और यहाँ लेफ्ट में पीला होता है, और यहाँ फिरोजी कलर का होता है, नीला होता है। पर ये जो मशीन हमारे पास है अभी इसमें डिफरेंट है, और इसमें यहाँ पे मार्किंग दी है तो उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म का है ये, लेफ्ट आर्म, ठीक है। तो ये हमने अंदर की तरफ प्लेस करना है, ये जो भी ये अंदर की तरफ प्लेस कर दिया, तो जो जो हमारी राइट लेग की है ना ये एक अर्थ की तरह काम करती है, इसको नहीं हम काउंट करते हैं कि अर्थ वाले काम करती है, और ये और जो हम चेस्ट लीड है उसको लगाएंगे। इसको लगाने का तरीका है कि आ गया था जो कि यहाँ स्टर्नम है ना हमारे ये स्टर्नम होता है, तो यहाँ पे ग्रूव होता है, यहाँ फील करो अपना, यहाँ ग्रूव सा फील होता है ना, यहाँ उभार सा, यहाँ जो उभार सा फील होगा उसके इधर जाएंगे तो वो हमारा सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस होगा, ठीक है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा, तो
यहाँ पे लगाओ। तो फर्स्ट लीड जो है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेटरल टू द स्टर्नम लगानी है राइट साइड में, ठीक है। पहले लगाओ, समझ गए कैसे करना था। ग्रुप से जाएंगे, अच्छे से लगाओ, पेयर्स के बाद नीचे कराएगा। हाँ, तो ग्रुप्स जहाँ फील होगा उसके पैरेलल जाएंगे तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो थर्ड होगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो फोर्थ होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोड लगा दी हमने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड लेटरल टू द स्टर्नम, ठीक है। अब सेकंड लगाएंगे लेफ्ट साइड लेटरल टू द स्टर्नम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो सेकंड लगाओ आप इसको ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, बी टू लगा दिया हमने और अब बी थ्री नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे बी फोर। बी फोर कहाँ होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होगा हमारा, ये फोर्थ था। रुको, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लैप कर लाएंगे, ये जो क्लैविकल है ना हमारा, इसका मिड क्लैप कर लाइन ये आएगी निप्पल के पास, यहाँ लगाओ। यहाँ पे बी फोर लगा दिया आपने, मिड क्लैविकुलर लाइन में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। और अब आप सोच रहे होंगे कि बी थ्री कहाँ लगाएंगे फिर, तो बी थ्री इन दोनों के बीच में लगाना होता है, उसका ऐसा स्पेसिफिक बताया नहीं है, बी थ्री को बताया कि इन दोनों के बीच में लगा, ठीक है, बी थ्री और बी फोर के बीच में। तो अब हमारे पास दो लीड्स बच गई, अब इसको लगाएंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये है ना, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है। तो और पैरेलल टू फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के पैरेलल ही लगाएंगे इसको, ठीक है। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर यहाँ पे रखो, लगाओ, फिफ्थ का प्लेस कहाँ है, कहाँ हो सकता है, ये एंटीरियर है तो फिफ्थ का कहाँ होगा, मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है, एक्सिलर के मिड साइड में यहाँ, और ये पैरेलल ही होंगी सारी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही आ रही है सारी, है ना, समझ गए, नहीं बोलोगे ना, बट मतलब हमें ये चीज़ आनी चाहिए, अगर हमारा असिस्टेंट है हम उसको बताएंगे ना, हमें आएगा तभी तो बताएंगे हम, कि नहीं, अगर आप अपना सेटअप कर रहे हैं कुछ हमें आएगा तो उसको बता पाएंगे ये प्लेसमेंट करेंगे, हालांकि हम करेंगे नहीं, करवाना होने से होता क्या बोल रहे वे लगाते हैं तो ये तो सर यहाँ से बता देते कि नहीं खत्म कर देते थे कितनी देर में, पर फिर से बता देता हूँ, पहले फोर क्लैम लीड्स थी और इसका इसके अकॉर्डिंग कलर कोडिंग मैच नहीं कर रहा, पर मशीन में जैसे मैंने बताया कि कैसे कलर कोडिंग होती है उसमें काला लाल पीला और नीला होता है, पर इस मशीन में जो हमारे पास अवेलेबल है इसमें मार्किंग दी गई है, यहाँ करना, यहाँ पे यहाँ दिखाना, राइट लेग दिखाना, हाँ इसमें राइट लेग लिखा है, राइट आर्म इसमें मार्क किया गया है, मार्किंग भी रहती है इसमें, और लेफ्ट आर्म आर्म हो गया और लेफ्ट लेग, हाँ ये लेफ्ट लेग हो गया, ठीक है, फोर क्लैम्प्स हो गए, फोर लिंग लीड्स हो गया हमारी, और
और 6 चेस्ट लीड है, उसको मैंने बता दिया सबसे पहले स्टर्नम के यहाँ ग्रूव फिल करना है, फिर वो सेकेंडरी बॉस स्पेस होता है, सिर्फ फोर्थ में आएंगे और स्टर्नम से राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पहला होगा और लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में दूसरा और चौथा होगा मिडिल एपिकुलर लाइन में और इन दोनों के बीच में तीसरा होगा और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में हमारा पांचवा होगा और मिड एक्सिलरी लाइन में छठा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे हॉर्न। अब हम देखेंगे कि कोई लीड वाइब्रेट तो नहीं कर रही है, अगर वाइब्रेट कर रही है तो उसको फिर से हम इसको करेंगे। ठीक है, नहीं कोई भी वाइब्रेट कर रही है ना, कुछ फील हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक हम इसको सेटल होने देंगे, उसके बाद हम प्रिंट बटन दबाएंगे। पेशेंट डाटा ओके। तो यहाँ पे पेशेंट डाटा डाल सकते हैं, एज डाल सकते हैं, 20 कितना एज आपका? 34। हाँ, एज का भी कुछ पता चल रहा है, जेंडर क्या है आपका? 24 ईयर, जेंडर हो गया हमारा मेल। पूरा मंथली ठीक है, तो 5 से 10 मिनट तक हमें वेट करना है, अब हम प्रिंट करेंगे इसको। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है ना हार्ट में, वो इलेक्ट्रोड के थ्रू हमें पता चल जाएगा, फील भी होता है कुछ। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे 5 मिनट सेटल होने के बाद। ठीक है, ये हमारा प्रिंट आ रहा है। तो ईसीजी क्या है? ईसीजी की डेफिनेशन ये है कि द बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल so the electrical activity in the heart can be recorded on skin surface. So this may the record and graphical registration of electrical activity of heart is called electrocardiogram. तो ये हमारा ECG आ गया इसमें, ये मुझे नहीं पता। तो ECG आने के बाद क्या करेंगे, ECG को हम देखेंगे। तो हमें जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ECG को कैसे करते हैं, PQRS। यस सर। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं PQRS और टी। तो अब तुम सोचोगे कि पी कैसे जनरेट होता है, तो पी कैसे जनरेट होगा, जैसे कि मान लो कि ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, तो तुम्हें पता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे नोड होती है, ऐसे नोड के थ्रू, और यहाँ पे होती है ए बी नोड। तो ऐसे नोड के थ्रू क्या होता है, आर्टेरियल जो है उसका डीपोलराइजेशन होगा। जब आर्टेरियल डीपोलराइजेशन होगा तो बनेगी पी वेव, ठीक है। और जब फिर ये ए बी नोड्स पे आएगा, ए बी नोड्स पे आने के बाद यहाँ पे बंडल ऑफ हीज होते हैं, ठीक है,
यहाँ सेपरेट होते हैं और यहाँ प्रकंजी फाइबर्स होते हैं, इसके थ्रू वो वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। तो वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होगी, तो वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होती है तो बनेगा हमारा QRS, ठीक है। और जब इनकी डीपोलराइजेशन होगी तब बनेगा T, ठीक है। इसके आगे मैं बाद में बताऊंगा, इतना याद रखो फिलहाल।